तो चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड विच इज गिवन टू बी sec रेज टू 4 a इंटू 1 माइनस sin रेज टू 4 a माइनस 2 tan स्क्वायर a। ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और हमको इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके हमें बताना है कि इसका वैल्यू क्या आता है। 1 आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ज़्यादातर हमें क्या करना चाहिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा में सबको चेंज करना चाहिए, जिसमें से ये ऑलरेडी साइन थीटा में है और ये दोनों को हमको साइन और कॉस में चेंज करना चाहिए। पर ये क्वेश्चन में क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर हम साइन और कॉस में चेंज भी करते हैं तो नो डाउट कि नहीं आएगा आंसर, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो हमारे पास एक दूसरा मेथड है जहाँ पे हम नहीं करेंगे सबको साइन थीटा कॉस थीटा में, कुछ पार्ट को करेंगे और कुछ पार्ट सेम रखेंगे और फिर फाइनली हम देखते हैं कि इसका वैल्यू 1 कैसे आता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, sec रेज़ टू 4 जो ब्रैकेट के पहले है, इसका मीनिंग क्या है कि ये इससे भी मल्टीप्लाई होता है और ये इससे भी मल्टीप्लाई होता है, तो हम दोनों से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा sec रेज़ टू 4 ए मल्टीप्लाई बाय 1, तो सेम रहेगा, फिर माइनस sec रेज़ टू 4 ए को जब हम sin रेज़ टू 4 ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा sec रेज़ टू 4 ए मल्टीप्लाई बाय sin रेज़ टू 4 ए और फिर माइनस 2 tan स्क्वायर ए, सेम लिखा हमने। फिर हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं sec रेज़ टू 4 ए, इसको sin cos में नहीं चेंज करते, माइनस इसको हम चेंज कर देते हैं साइन और कॉस में और इसको सेम रखते हैं। तो sec रेज़ टू 4 है मतलब sec थीटा है और sec थीटा का कॉस में फॉर्मूला है 1 अपॉन cos थीटा, तो sec रेज़ टू 4 हो जाएगा 1 अपॉन cos रेज़ टू 4 cos रेज़ टू 4 a फिर मल्टीप्लाई बाय sin रेज़ टू 4 a और माइनस 2 इंटू 10 स्क्वायर a। अब हम क्या करेंगे, sin स्क्वायर 4 a को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिख देंगे, ये सेम लिखते हैं sec रेज़ टू 4 a माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा sin रेज़ टू 4 a अपॉन cos रेज़ टू 4 a और फिर माइनस 2 tan स्क्वायर a। देखिए हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और ये फॉर्म हो गया। अब ये sin अपॉन cos का वैल्यू जो है वो 10 है, तो sin रेज़ टू 4 अपॉन cos रेज़ टू 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू 4, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं विच इज इक्वल टू sec रेज़ टू 4 a माइनस इसका वैल्यू लिख देते हैं 10 रेज़ टू 4 a और फिर माइनस लिख देते हैं 2 tan स्क्वायर a। फिर एक चीज हमको यहाँ पे क्या करने का, जो 4 पावर है इसको 2 पावर यानी सेकेंड पावर में चेंज करना है, तो वो हम ऐसा कर सकते हैं विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर a द होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर a द होल स्क्वायर और फिर आगे जो लिखा है माइनस 2 10 स्क्वायर a, इसको सेम लिख देते हैं और फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज a प्लस b और a माइनस b। तो यहाँ पे a के प्लेस पे जो यहाँ पे है वो है sec स्क्वायर a और b के प्लेस पे जो है वो है 10 स्क्वायर a। तो जब a प्लस b लिखेंगे तो sec स्क्वायर a प्लस 10 स्क्वायर a लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं sec स्क्वायर a प्लस 10 स्क्वायर a, ये 1 हो जाएगा जो a प्लस b लिखा है और a माइनस b में हम लिखेंगे sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, तो यहाँ पे लिखते हैं sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। तो ये इन दोनों का सॉल्यूशन यहाँ तक हुआ, फिर ये जो बच रहा है माइनस 2 टेन स्क्वायर ए, उसको यहाँ पे लिख देते माइनस 2 टेन स्क्वायर ए। फिर स्टूडेंट्स ये जो है ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, यहाँ पे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 आ जाएगा। हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय 1 फिर माइनस 2 10 स्क्वायर ए। अब हम मल्टीप्लाई है इसके लिए, इसको इसके साथ ही सॉल्व कर सकते हैं, तो जब हम
sec square a plus tan square a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो जाएगा, सिर्फ यही रहेगा, वो लिख सकते हैं हम sec square a plus tan square a, और फिर ये बचेगा माइनस 2 tan square a. फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 2 tan square है और ये 1 tan square है, ये 2 टाइम है और ये 1 टाइम है. इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, डिफरेंट साइन है, अगर अलग अलग साइन है तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो 2 tan square a में से 1 tan square a माइनस करेंगे तो 1 tan square a बचेगा, और ये है 1 tan square a, और ये ग्रेटर नंबर है इसके लिए इसका साइन आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे बचेगा sec square a. और फिर से अगर ये फॉर्मूला देखेंगे तो वापिस से ये होता है sec square theta minus tan square theta equals to 1, तो हम लिख सकते हैं which is equal to 1, और यहाँ पे बता सकते हैं सिंस sec square theta minus tan square theta is equal to 1. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, और ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है. अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं नेक्स्ट वीडियो पर.